जिसे कहते हैं रैप, मैं आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहा हूं। वाचनी को रस खाने भी लोग कत भारत काम कला ने दी कोटी, वाचनी को रस खाने भी लोग भारत काम कला ने दी कोटी, काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए अरे दहिया पी गए दहिया पी गए। 1756 में बंदा एक पैदा हुआ जिसका नाम था वुल्फगांग अमेडियस मोजार्ट। मोजार्ट, यस। जोरदार तालियां। वन ऑफ द जीनियस एवर बोर्न ऑन दिस अर्थ इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। एब्सोल्युटली। तो एक ट्यून याद आ रही है, लेकिन आप शायद उस ट्यून को वो नहीं कर पाए। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाय हाय, क्या बात है। बहुत कम लोगों को ये ट्यून मा, आम आदमी का मतलब नहीं है। या दूसरी This composition is known as for Elise. Elise शायद उस great master का नाम था Ludwig van Beethoven। जोरदार तालियां उस गुरु के लिए। ये उनकी composition है, आम आदमी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, वो मोजार्ट ने जो जी माइनर में सिंफनी नंबर 40 की थी ना, फॉर एलिजे की थी, उसमें एक ही भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग झलक रहा था, छवि दिखा रहा था। उसका नाम है रागेश्वरी। गामा रे निरसा सा गामा दने दने दसा निरामा गामा दे ये हमारा शास्त्रीय संगीत है, इस देश का संगीत है। और क्योंकि हमारे शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, भारत की मिट्टी में बहुत दम है। और मिट्टी की जब बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो एक ही आके सामने खड़ा होता है जिसका नाम है बोल राधे 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 कृष्ण 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 जा रहे। तो ब्रजभूमि के हैं कृष्ण, ब्रजभूमि के हैं, किसी से पता ना झगा तर पे पर बुझाने को आहे बसे कई धामा, और पूछा तो दीन दयाल को धामो बतावत अपनो नाम सुदामा। तो रात शाम इस सपने में, रात शाम सपने में आए, अरे दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया पी गए दहिया पी गए। अब देखिए, जिसकी चीज के ऊपर, जिसे कहते हैं रैप, मैं आपको 250 साल पुराना रैप सुना रहा हूं। आज गई होती भाव रही हूं, आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कही नंद के भाव नहीं, आज गई होती भाव रही हूं, रस खाने रही कही नंद के भाव नहीं, बाप जियो जुग लाख करोड़ जसमती को सुख जात नहीं, तेल लगाए लगाए के अंजन भाव बनाए बनाए बाछड़ी को बाछड़ी को वाचनी को रस खाने भी लोग कत भारत काम कला ने दी कोटी, वाचनी को रस खाने भी लोग भारत काम कला ने दी कोटी, काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गौ माखन रोटी, दहिया पी गए तो रात शाम, रात शाम मोरी बैया पकड़ी बैया कर गई
गोविंद वंदे मातरम वंदे मातरम बोल वंदे अनु सर आप जैसा ना कोई था ना कोई आएगा ना ऐसे हरफन मौला हो हाय हाय क्या बात है इसके बाद बंदा क्या पूछ लेगा एक लॉ कॉलेज की बात चल रही थी अपने भैया आए थे वकील तो मैंने कहा याद आएगा तो मैं जरूर बोल दूंगा कि एक लॉ कॉलेज के अंदर प्रोफेसर साहब थे प्रोफेसर साहब ने एक लड़का था जो बड़ा स्मार्ट था उसको फेल कर दिया अच्छा जी बुरा लगा उसको बहुत बुरी तरह से चले सर आपसे 5 मिनट मिलना चाहता हूँ मैं आपने मुझे फेल कर दिया अगर आप इस लायक नहीं थे कि तुम पास किया जा सके तो मैंने फेल कर दिया कहले सर मेरे अगर आप 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं एडमिट कर लूंगा कि आपने मुझे फेल किया मैं डिजर्व करता था पूछो भाई क्या सर ऐसी क्या चीज है जो लीगल है लॉजिकल नहीं है और लॉजिकल है और लीगल नहीं है और ऐसी क्या चीज है जो ना लीगल है ना लॉजिकल है प्रोफेसर साहब बड़े परेशान हो गए कि यार ये क्या करें कहने आप एडमिट कर लो कि आप हार गए कहने लगे यार मेरे को पता नहीं है तो कहने सर पास कर दो लड़के को पास कर दिए दूसरे दिन इसी चिंता में रात भर सोए और कहने लगे अगले दिन क्लास में पूछूंगा यार ऐसा क्या चक्कर है जाके क्लास में उन्होंने पूछा कि भाई एक बात बताइए कि क्या है कि लीगल है लॉजिकल नहीं है लॉजिकल है लीगल नहीं है और ऐसा क्या है कि ना लीगल है और ना लॉजिकल है एक लड़ा खड़ा हो चले जाओ सर मैं बताता हूं हाँ बताओ बताओ तो क्या कि सर देखिए ऐसी बात है कि आपने 23 साल की लड़की से शादी की है उम्र है आपकी 60 साल ये लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है और उस लड़की का अफेयर किसी से चल रहा है ये लॉजिकल तो है लीगल नहीं है लीगल नहीं है और उसी लड़के को आपने पास भी कर दिया अब ना ये लॉजिकल है ना लीगल है